महर्षि पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट अष्टांग योग के सिद्धांत अनुशासित जीवन, एकाग्र मन और स्वस्थ शरीर के विकास पर बल देता है। अष्टांग योग क्रम में आज तीसरे सिद्धांत आसन और चौथे सिद्धांत प्राणायाम के विषय में जानेंगे। अष्टांग योग का तीसरा सिद्धांत है आसन। आसन शारीरिक मुद्राओं द्वारा किया जाने वाला शरीर का संयम है। स्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यान के लिए जिस अवस्था में शरीर स्थिर और सुख युक्त हो वो आसन कहलाता है। आसन के अनेक भेद हैं, जिनका दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, व्यायाम संबंधी आसन और योगासन। जिन आसनों का प्रयोग शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने के लिए किया जाता है वे व्यायाम संबंधी आसन कहलाते हैं, और जिन आसनों का प्रयोग प्राणायाम, प्रत्याहार आदि के लिए किया जाता है वे योगासन कहलाते हैं। विभिन्न आसनों के अनेक नाम हैं, जैसे सुखासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन आदि। जो आसन हमारे बने हैं वो अनेक प्राणियों से लिए गए हैं। वो प्राणी वही मयूर से मयूर आसन बना दिया। अब मयूर आसन को अगर हम बात कर ले तो मयूर आसन के कारण क्या होता है, पेट की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि हम सांप को भी बचा सकते हैं। मेरा मतलब क्या है कि हम आसनों के साथ में अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रबल बना सकते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार इन सभी आसनों में से जो भी अनुकूल हो योग का अभ्यास करने वाले योगाभ्यासी को उसी आसन का प्रयोग करना चाहिए। आसन के नियमित अभ्यास से शरीर में शक्ति, लचीलापन, मानसिक शारीरिक संतुलन और समन्वय विकसित करने में मदद मिलती है। जितनी योनियां हैं उतने आसन कहे जाते हैं। उसमें से हमारे जो योग ग्रंथ है उसमें से 84 आसनों को मान्यता दी गई है। उन आसनों में भी कोई खड़े होने वाले, बैठने वाले, लेटने वाले, कमर के बल करने वाले, पेट के बल करने वाले आसनों की संख्या है। इन आसनों से हम शरीर में जब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यायाम है तो उसमें जो खिंचाव है उस खिंचाव होने से वहाँ का जो तनाव है वो कम होने लगता है, और उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट होती है। ब्लड सर्कुलेशन के अच्छे होने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हमारा है, हृदय और हृदय से संबंधित सारी चीज़ें वह ठीक होने लगती हैं। साथ में हमारे और भी ऑर्गन जैसे पेट पाचन तंत्र है, उसमें हमारा लीवर है, पेनक्रियाज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनमें अधिक ब्लड जाने के कारण वह भी स्वस्थ होने लगते हैं। अष्टांग योग का चौथा सिद्धांत है प्राणायाम। प्राणायाम प्राण वायु का श्वास प्रश्वास का संयम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर् गतिविच्छेदः प्राणायामः। आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोक देना प्राणायाम कहलाता है। बाहर की वायु को अंदर लेना श्वास है और अंदर की वायु को बाहर निकाल देना प्रश्वास है। श्वास और प्रश्वास की गति को सुविधा सामर्थ्य के अनुसार रोक देना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का मतलब प्राणों का विस्तार, यानी कि जो हमारे अंदर प्राण बह रहा है उसको जितना हम विस्तार करते जाएंगे उतना ही हमारी जीवनी शक्ति का भी विस्तार होता रहेगा। हमारे छोटे छोटे जो शरीर में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी स्थितियां भी बढ़ती जाएंगी। प्राणायाम करने से मन और इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है, बुद्धि स्थिर होती है, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम होंगे, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा मन चलता है और अगर हम उस मन के ऊपर प्राण का विस्तार कर दें तो प्राण जो है उस मन को छोटा कर देता है, मन को रोक देता है। हमारा जो प्राण है उसको हम पंच प्राण बोलते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये जो पंच प्राण हैं तो जहाँ जहाँ पर भी हम प्राणों का विस्तार करते हैं, जिस जिस जगह पर, जैसे माना जाए ये अपान वायु है, अपान वायु हमारी नाभि के नीचे होती है, अगर हमारा अपान वायु मजबूत होता है, अपान वायु की जो क्षमता है वो अच्छी होती है, तो इस तरह के रोग नहीं होते। अगर होते भी हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर प्राण की बात करें जिसमें हमारा फेफड़ा और हृदय आता है, तो फेफड़े हमारे लंग से संबंधित क्षमताएं, हमारी हृदय से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वह भी जब प्राणों का विस्तार होता है उस प्राण का तो वह कम होता है। ऐसे सभी अंगों का अलग अलग प्रभाव है। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है,
इससे स्थिरता, पुरुषार्थ, पराक्रम और किसी भी कार्य को बहुत कम समय में ही समझकर करने की क्षमता भी विकसित होती है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथ योग दर्शन में प्राणायाम सभी काल देश परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपनाने योग्य एक प्राचीन विद्या है, जिसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर स्वस्थ जीवन बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है। लता वशिष्ठ, DD न्यूज़।